नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। दरअसल रात से ही AQI दिल्ली में 500 के स्तर को पार कर चुका है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई है। ठंड में लोगों को दिल्ली में अपना लगातार ठंड की वजह से लोग दिल्ली में परेशान हो रहे हैं। बता रहे हैं कि लगातार कल से प्रदूषण बढ़ा हुआ है। हालांकि इस दौरान कल से ग्रैप फूर के नियम भी लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय में भी फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदूषण के चलते लगातार दिल्ली वाले परेशान हैं, और ऐसे में कल से ग्रैप फूर के नियमों को भी लागू कर दिया गया है। फिजिकल क्लासेस विश्वविद्यालय में भी बंद कर दी गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये धुंध की तस्वीरें, जिसकी वजह से विजिबिलिटी लेवल बेहद कम हो गया है, और ऐसे में लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। रात से ही AQI का स्तर 500 बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विशाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, राजनीति भी चरम पर है, लेकिन बावजूद इसके जो तमाम कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, वो फिलहाल अभी कहीं से भी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। कल हमने देखा ग्रैप 4 लागू किया गया, जिसके तहत कड़ी पाबंदियां भी लगाई गई, स्कूलों को भी अब बंद करने का फैसला लिया गया है, लेकिन बावजूद इसके कल रात से जो अभी तक की स्थिति है, उससे प्रदूषण और बदतर स्थिति में पहुंचता जा रहा है, गंभीर से बेहद गंभीर श्रेणी में। सरकार का अगला कदम क्या कुछ सकता है, और न सिर्फ सरकार का बल्कि यहां पर जरूरत जनता को भी है अपने दायित्व को समझने की, और कहीं ना कहीं प्रदूषण में अपना अहम योगदान देने की, कि प्रदूषण किस तरह से कम किया जा सके। क्योंकि अब जो स्थिति है प्रदूषण को लेकर राजधानी दिल्ली में, वो भयावह हो चुकी है। कल रात को ही AQI का जो पारा है वो 500 को टच कर गया था। अब जो AQI का मीटर है उसकी लिमिट ही 500 होती है, और उसके आगे कोई लिमिट नहीं है। अब ऐसे में स्थिति जो है काफी भयावह है, क्योंकि दिल्ली का कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा जहां पर स्थिति 400 के आसपास भी बनी हो, क्योंकि हर इलाके में ही लगभग 500 के आसपास AQI पहुंचा हुआ है। और अगर ओवरऑल एवरेज दिल्ली के AQI की बात करें तो 485 के आसपास AQI पहुंचा हुआ है, जिस कारण अब जो है काफी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। और इसी के मद्देनजर कई कड़े जो है नियमों का भी अब जो है पालन किया जाएगा। फिजिकल क्लासेस जो थी बच्चों की स्कूलों की, वो पूरी तरह से अभी ऑफलाइन ऑनलाइन कर दी गई है। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कल अपनी नोटिफिकेशन जारी करके 23 नवंबर तक के लिए अपनी सभी क्लासेस को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। और अब जो ऑफिस हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, वो भी कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम की तरफ रुख अपना रहे हैं, क्योंकि ऑफिस आने वाले लोगों को, कर्मचारियों को भी अब जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर राइडर्स को, क्योंकि सुबह के समय धुंध और कोहरे की वजह से चलने में भी इतनी दिक्कत हो रही, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे में बाइक लेकर सड़कों पर उतरना कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल।